200 क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ तो कोई भी प्लेयर किसी भी रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकता है, लेकिन इस खेल में एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी कोई प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर से छीन नहीं सकता, और वो चीज है प्लेइंग टेक्निक। 200 प्लेइंग टेक्निक एक ऐसी चीज है जो हर खिलाड़ी की अपनी पहचान होती है, और इसी तकनीक की मदद से कुछ खिलाड़ी ऐसे विशेष शॉट से महारत हासिल कर लेते हैं जो उनके अलावा कोई दूसरे खिलाड़ी नहीं मार सकता। ये विशेष इनोवेटिव शॉट्स उन खिलाड़ियों की पहचान के साथ जुड़ जाती है, फिर चाहे सचिन का अपर कट हो या फिर धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बल्लेबाजों के 10 ऐसे इनोवेटिव शॉट्स को देखते हैं जिसे इन बल्लेबाजों ने खुद ही डेवलप किया है। नंबर 1, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। 200 भारत के सबसे कामयाब कप्तान माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और हेलीकॉप्टर शॉट का रिश्ता बिल्कुल ऐसा है कि जब भी आप हेलीकॉप्टर शॉट लिखते हैं तो आपका कीबोर्ड खुद धोनी का नाम सजेस्ट कर देता है। हेलीकॉप्टर शॉट को क्रिकेट का मोस्ट इनोवेटिव शॉट माना जाता है। इस शॉट को खेलने के लिए ताकत और स्पीड के साथ ही जबरदस्त स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और हमारे कैप्टन कूल को इन सभी में महारत हासिल है। तभी तो दोस्तों जब धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं तब बॉलर और सभी फील्डर्स दर्शक बनकर बॉल को देखते ही रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट मारना कितना मुश्किल है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि धोनी के अलावा सिर्फ कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश करते हैं। खैर, हेलीकॉप्टर शॉट धोनी के बैटिंग टेक्निक का वो बेशकीमती तोहफा है जिसका इंतजार हर मैच में दर्शकों को बेसब्री से होता है। नंबर 2, केविन पीटरसन का स्विच हिट। 200 क्रिकेट में स्विच हिट शॉट को आविष्कार करने का श्रेय इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन को जाता है। केविन को इस खास शॉट में महारत हासिल थी। केविन पीटरसन इस शॉट की मदद से अच्छे से अच्छे बॉल को ही बाउंड्री के पार भेजने की कैपेसिटी रखते थे। पीटरसन के स्विच हिट मारने का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से किया करते थे, और गेंदबाज सिर्फ यही दुआ करता था कि पीटरसन ये शॉट बिल्कुल ना खेले। पीटरसन राइट हैंडेड बैट्समैन थे और बॉलर इसी के अनुसार उनके सामने बॉलिंग किया करता था, लेकिन जब बॉलर अपने हाथों से बॉल रिलीज कर देता था तब पीटरसन अपनी साइड चेंज करके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बन जाते थे और फिर बेहतरीन स्विच हिट मारा करते थे। इस शॉट में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सक्सेसफुली शॉट खेलने के लिए बल्लेबाज को एग्जैक्ट टाइमिंग पर अपनी साइड बदलनी ही होती है, और जरा सी चूक होने पर आपकी विकेट जा सकती है या फिर बल्लेबाज जख्मी भी हो सकता है। इसी वजह से ये शॉट थोड़ा रिस्की भी है। नंबर 3, तिलक रत्न दिलशान का दिल स्कूप। 200 श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में से एक तिलक रत्न दिलशान अपने दिल स्कूप शॉट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। इस लाजवाब शॉट का आविष्कार दिलशान ने 2009 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था। दिलशान को ये शॉट खेलते हुए देखना अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। दिलशान ने जब ये शॉट पहली बार खेला था तब इसको देखकर दर्शकों के संग संग कमेंटेटर्स भी हैरान थे। इस शॉट को देखकर सभी एक दूसरे से यही बात पूछ रहे थे, आखिर वह इस शॉट का नाम क्या है। और फाइनली इस शॉट का नाम दिलशान के नाम पर ही दिल स्कूप रखा गया। दिलशान जब भी ये शॉट खेलते हैं तब ऐसा लगता है जैसे वो झुककर अपने बल्ले से बॉल को सलामी दे रहे हैं, और फिर बॉल को बल्ले से ऐसी सलामी मिलती है कि वो बाउंड्री पार जाकर ही रुकती है। नंबर 4, सचिन तेंदुलकर का अपर कट। 200 क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपर शॉट खेलने में मास्टरी हासिल थी। एक्स्ट्रा बाउंस वाले बॉल के साथ सचिन ये शॉट काफी खूबसूरती के साथ खेलते थे। जिस दिन सचिन अपने रंग से बल्लेबाजी कर रहे होते थे उस दिन उनकी तरफ से अपर कट शॉट भी खूब देखने को मिलते थे। इस शॉट को खेलने के बाद विकेटकीपर बॉल को देखते ही रह जाता था और बॉल बाउंड्री के पार चली जाती थी। इस शॉट के साथ सचिन ने अपने करियर में खूब रन बटोरे और बॉलर्स को खूब परेशान भी किया। सचिन के साथ ही अपर कट शॉट वीरेंद्र सहवाग की भी पहचान थी। जब भी सचिन और सहवाग एक साथ बल्लेबाजी कर रहे होते थे तब अपर कट शॉट देखना काफी सामान्य था। सचिन और सहवाग के बाद कई बल्लेबाजों ने अपर कट में अपने हाथ आजमाए, और आज अमूमन सभी बल्लेबाज एक न एक बार अपर कट की कोशिश जरूर करते हैं। नंबर 5, इयान मॉर्गन का रिवर्स स्कूप। दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान मॉर्गन ने रिवर्स स्कूप के नाम से इस इनोवेटिव शॉट की शुरुआत की थी। ये एक ऐसा शॉट है जिसको खेलने के लिए परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत पड़ती थी, और साथ ही ये एक ऐसा शॉट भी है जो बेहतरीन बॉलर और टाइट फील्डिंग के बावजूद बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका दे सकता है। जब पहली बार इयान मॉर्गन ने इस शॉट को खेला था तो उसे देखकर सभी हैरान थे। एक बार जब बल्लेबाज इस शॉट को खेलने का इरादा कर ले तो फिर बॉलर के लिए इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, इस शॉट को खेलने के लिए गेंद की स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है। बल्लेबाज खड़े खड़े अपने बल्ले की दिशा बदलता है और थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेल देता है। बॉल जितनी तेज स्पीड से बैट्समैन की तरफ आती है शॉट भी उतनी ही स्पीड से बल्ले से निकलते हुए बाउंड्री की ओर चला जाता है, और ये देखने में बड़ा लाजवाब लगता है। नंबर 6, एबी डिविलियर्स का बैकवर्ड स्वीप। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट में कई नए शॉट्स का आविष्कार किया है। डिविलियर्स द्वारा आविष्कार किए गए सभी शॉट्स एक से बढ़कर एक हैं, जिसका गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं होता है। इन्हीं शॉट्स में से एक है बैकवर्ड स्वीप, जिसमें डिविलियर्स को महारत हासिल है। डिविलियर्स जब भी ये शॉट खेलते हैं
तब वो मंजर देखने लायक होता है। इवन विपक्षी टीम के खिलाड़ी और दर्शक भी ट्विलियर्स की तारीफ करते नहीं थकते हैं। इस शॉट को खेलने के लिए टाइमिंग के साथ ही बेहतरीन स्किल की जरूरत होती है। शॉट खेलने के दौरान जरा से भी अगर चूक हो गई तो फिर बल्लेबाज जख्मी तक हो सकता है। आज भी बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैकवर्ड स्वीप जैसे शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, जोगी मरिलियर का रैम शॉट। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बल्लेबाज जोगी मरिलियर ने रैम शॉट खेलने की शुरुआत की थी। इस शॉट को क्रिकेट के मोस्ट इनोवेटिव शॉट्स में से एक माना जाता है। इस शॉट को खेलने के लिए बल्लेबाज अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटते हुए बल्ले के सहारे गेंद को थर्ड मैन की ओर खेलता है। ये एक रिस्क भरा शॉट होता है। खेलने के दौरान यदि टाइमिंग में जरा सी भी चूक हुई तो बल्लेबाज जख्मी हो सकता है। जब बल्लेबाज इस शॉट में महारत हासिल कर लेता है तब अच्छे से अच्छे बोलर्स भी बल्लेबाज को ऐसे शॉट्स खेलने से रोक नहीं सकते। मरिलियर के बाद कई बल्लेबाजों ने इस शॉट को खेलने की कोशिश की, हालांकि इसमें कामयाबी सिर्फ गिने चुने बल्लेबाजों को ही मिलती है। जख्मी होने के साथ ही इस शॉट को खेलने के दौरान विकेट गंवाने का खतरा भी होता है। खैर, दर्शकों को तो मनोरंजन चाहिए, तो ये शॉट मनोरंजन का कंप्लीट डोज है। नंबर 8, विराट कोहली का कवर ड्राइव। ऑब्वियसली कवर ड्राइव विराट कोहली का इनोवेटिव शॉट नहीं है, लेकिन विराट कोहली जिस बेहतरीन स्किल के साथ इस शॉट को खेलते हैं वो इनकी पहचान बन चुका है। मौजूदा समय में विराट कोहली को कवर ड्राइव शॉट का किंग माना जाता है। वर्ल्ड क्लास बोलर्स भी विराट कोहली को कवर ड्राइव शॉट खेलने से रोक नहीं पाते हैं। विराट कोहली अपने इनिंग का 18-20% रन कवर ड्राइव से ही पूरा करते हैं। विराट कोहली से पहले राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और जैक कैलिस जैसे क्रिकेटर्स भी कवर ड्राइव के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। वर्तमान समय में कवर ड्राइव शॉट क्रिकेट का इम्पोर्टेंट शॉट बन चुका है। नंबर 9, रोहित शर्मा का पुल शॉट। दोस्तों, डबल सेंचुरी के किंग और मौजूदा समय में भारत के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा पुल शॉट के माहिर खिलाड़ी हैं। वर्तमान समय में रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। रोहित शर्मा जिस दिन अपने रंग में आ जाएं, उस दिन उनके द्वारा खेला गया एक एक पुल शॉट दर्शक दीर्घा में जाकर ही गिरता है। रोहित इस शॉट को इतने बेहतरीन तरीके से खेलते हैं कि बॉलर और फील्डर्स बॉल को देखते रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। रोहित की बैटिंग स्किल की सबसे बड़ी ताकत पुल शॉट ही है। दोस्तों, रोहित के अलावा रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस और एबी डिविलियर्स भी पुल शॉट्स के माहिर खिलाड़ी रह चुके हैं। नंबर 10, सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, क्रिकेट के सबसे बेहतरीन शॉट्स में से एक स्ट्रेट ड्राइव को अलग तरीके से खेलने की शुरुआत सचिन तेंदुलकर ने ही की थी। मास्टर ब्लास्टर को इस शॉट को खेलने में महारत हासिल थी। बेहतरीन शॉट होने के साथ ये शॉट क्रिकेट के सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक है। जब सचिन ये शॉट खेला करते थे तब इसको देखने का मजा ही कुछ और था। दोस्तों, लंबे समय से स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट का महत्वपूर्ण शॉट बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से सचिन ये शॉट खेला करते थे उसकी बात ही कुछ और थी। भैया, आप बताइए कमेंट करके आपको इनमें से किस खिलाड़ी का इनोवेटिव शॉट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कमेंट करके जरूर बताएं, किसी का मिस हो गया तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस मिलती रहे। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।